ग्वालियर के बोरापुर थाना इलाके में एक रिटायर्ड दरोगा की हत्या कर उसकी बंदूक लूट कर फरार हुए 10,000 के नामी सातिर बदमाश को पुलिस ने दबोच लिया है। स्पेशल टीम तैयार कर आरोपी को साउथ की ओर से आ रही एक चलती ट्रेन से दबोचा है। वारदात में शामिल आरोपी के 3 साथियों को पूर्व में ही पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है। चौथे साथी और लूटी गई बंदूक की तलाश के लिए लगातार आरोपी मायाराम गुर्जर की पुलिस तलाश कर रही थी। इस बीच पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी पुलिस से बचने के लिए दक्षिण भारतीय किसी राज्य में छुपा हुआ है। ऐसे में पुलिस ने अपना मुखबिर तंत्र फैलाया और जब पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी साउथ की ओर से आ रही ट्रेन में सवार होकर आ रहा है, तो पुलिस ने ग्वालियर से स्पेशल टीम रवाना कर उसे ट्रेन में ही दबोचने में सफलता प्राप्त की है। आरोपी मायाराम गुर्जर पर पुलिस द्वारा 10,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी के कब्जे से लूटी हुई बंदूक भी बरामद कर ली है। आरोपी द्वारा की गई अन्य वारदातों का पता लगाने के लिए पुलिस अब उसे पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। ग्वालियर SSP अमित सांगी द्वारा आरोपी को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को रिवार्ड देने की भी घोषणा की गई है। आज क्राइम ब्रांच ग्वालियर को 3 बड़ी सफलताएं मिली हैं और इसमें एक प्रकरण जो बहुत महत्वपूर्ण था, थाना बहोड़ापुर का, जो कि पिछले साल मई माह में 2021 में बहोड़ापुर क्षेत्र अंतर्गत पुलिस के रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर मेघ सिंह का मर्डर हुआ था और उसके घर से प्रॉपर्टी मैं उसकी बंदूक के लूट के आरोपीगण ले गए थे। इसमें सभी आरोपी बड़ी मेहनत के उपरांत घटना के कुछ दिनों बाद गिरफ्तार हो गए थे, परंतु एक मुख्य आरोपी जो कि इसका मास्टरमाइंड था वो रह गया था और उसी के पास इसकी लूटी हुई बंदूक थी। इसे क्राइम ब्रांच ने बड़ी मेहनत करते हुए रास्ते में ट्रेन में पकड़ा है और ये साउथ में नाम बदल के रह रहा था और जब ये यहाँ इनपुट मिला कि झांसी की तरफ आ रहा है तो क्राइम ब्रांच की टीम साउथ की तरफ बढ़ी और एक रेलवे स्टेशन पर जाके पता चला कि इस ट्रेन से उसके आने की संभावना है। उस पर हमारी टीम चढ़ गई और एक एक व्यक्ति को जाके मैनुअली चेक किया क्योंकि इस आरोपी ने अपना मोबाइल बंद कर रखा था और फाइनली इसको पकड़ लिया। इसके ऊपर 10,000 रुपये का इनाम था और बहुत ही अच्छा काम हमारी क्राइम ब्रांच की टीम ने इसमें किया है। नगर पुलिस ये CSP ऋषिकेश मीणा, TI दामोदर गुप्ता और पूरी टीम जो यहाँ पर खड़ी हुई है, बड़ी मेहनत के साथ उसने इस जघन्य हत्याकांड का जो एक मुख्य आरोपी फरार था उसको पकड़ने में सफलता हासिल की है और इसमें ट्रेन चलती ट्रेन के अंदर पूरे एक एक डिब्बे में एक एक बर्थ में जाके और एक एक आदमी को चेक करना सिर्फ हुलिये के आधार पे बड़ा दुष्कर कार्य था, परंतु इसको इन्होंने पकड़ा है। और इसी प्रकार एक दूसरा महत्वपूर्ण प्रकरण